तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा की एक्टिवा 6G के बारे में। जी हाँ, पिछले साल हमें देखने को मिली थी होंडा एक्टिवा 5G और 2020 में हमें होंडा की तरफ से देखने को मिलने वाली है एक्टिवा 6G। तो आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकल के आई है होंडा एक्टिवा 6G के बारे में, जितनी भी डिटेल्स निकल के आई, जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली है, मैं आपको बता दूंगा। चाहे वो फीचर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेक्स से हो, चाहे वो प्राइस की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो लॉन्च डेट के बारे में हो, ये सब आपको होंडा की एक्टिवा 6G के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ मैं वाला सिंह, ये टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो लुक्स से रिलेटेड हमारे सामने कोई भी अभी इमेज या कोई भी लुक अभी निकल के नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें जो आपको माइलेज देखने को मिल सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं किया है होंडा ने। बस आप होंडा की तरफ से ही पता चला कि एक्टिवा 6G आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि इसमें जो माइलेज आपको देखने को मिलेगा वो होगा 60 KMPL का, और उसके बाद इसका जो इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है वो है 109.51 cc का, और उसमें जो इसमें व्हील टाइप इसका जो बताया जा रहा है वो है शीट मेटल का, और इसका जो टायर टाइप देखने को मिलेगा आपको वो होगा ट्यूबलेस, जिसमें आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पावर के बारे में। जिसमें जो पावर आपको इसमें बताई जा रही है वो है 7.96 PS की, और 7500 RPM आपको देखने को मिल जाएगा। जिसका फ्यूल टाइप है वो है पेट्रोल। टॉप स्पीड इसमें जो बताई जा रही है वो है 83 km/h की। ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 153 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी बताई जा रही है 5.3 लीटर की। फुल मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो आपको इसमें फीचर आपको एक्टिवा 6G में देखने को मिलेगा। और कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया का सेकंड स्कूटर है जो आ रहा है BS6 के ऊपर और 110 cc का। इससे पहले जो आता था वो था TVS Jupiter। और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्टिवा 5G थी उससे आपको एक्टिवा 6G 10% या 15% ज़्यादा महंगी आपको पड़ेगी। इसमें जो आपको BS6 लगा है ये जो है कम पावर प्रोड्यूस करता है एक्टिवा 5G से। ये जो स्कूटर है ये प्रोड्यूस करता है 7.8 PS, और जो कि कम है BS4 में, BS4 से करीबन 0.3 PS कम है। और इसका जो टॉर्क बताया जा रहा है वो है 9 Nm का, जो कि सेम है एक्टिवा 5G जितना। मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्राइसिंग के बारे में। जो एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी बताई जा रही है वो है 56,000, और कहा यह जा रहा है कि ये 15 जनवरी 2020 में लॉन्च हो जाएगी। मतलब इसकी ये जो लॉन्च डेट है जिसमें आप इसकी जो कंप्लीट फीचर होंडा की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी 15 जनवरी 2020 में, और एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता ही चुका हूँ 56,000 बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है होंडा एक्टिवा 6G के बारे में, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं एक्टिवा 5G। तो अब टाइम आ चुका है अपडेट करने का, तो आप आ रही है होंडा एक्टिवा 6G 2020 में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी होंडा एक्टिवा 6G के बारे में। जब होंडा एक्टिवा 5G आई थी उसने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया था और स्कूटर्स के सेक्टर में। अब देखते हैं होंडा एक्टिवा 6G क्या कमाल करती है। फिलहाल के लिए मेरे पास यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए होंडा एक्टिवा 6G के ऊपर। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार नीचे लाइक का एक बटन है, जाके कर दो जल्दी से लाइक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके पास अभी भी स्कूटी नहीं है, तो जल्दी जाके कर दीजिए उनके साथ शेयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना इसी तरह के टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, गेमिंग, पीसी रिलेटेड वीडियो देखते रहें। आप लोग के लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।